दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टू खोसा। तो दोस्तों मैंने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ अपने जो मोर हैं उनके लिए किस तरह आपने जो है मतलब खुदा साफ़ करना है, और उनके नीचे जो बंदा घास वगैरह रखता है वो किस तरह रखता है जो आपके जो मोर हैं उनको सर्दी ना लगे, सर्दी की वजह से वो महफूज रहें और नीचे से वो गर्म रहें। तो चलते हैं पिंजरे की तरफ और दोस्तों को दिखाते हैं उनके कैसे सफाई करनी है, उसके बाद जो है मैं डालूंगा फिर आप दोस्तों को। ये साइड पे मैं कितनी डिस्टर्ब कर रहा हूं। दोस्तों ये हमारा जो है मोरनी का जो मोर है मतलब उनका घर है, तो बंदा सुकून से खड़ा भी है और सुकून से बड़ा सा कमरा है और सुकून से हम सफाई भी करवाते हैं, और इसमें बड़े पिलर भी लगे हुए हैं ब्लॉक से हमने बनवाया है, और तीन तीन चार चार फुट की हमारे खिड़कियां भी है, तो दरवाज़ा भी इसका बड़ा है, सुकून से बंदा अंदर आके और सो मतलब सफाई भी कर सकता है। तो मैंने कहा चलो दोस्तों को ये भी दिखाते हैं और अपने मोरों को सफाई करने हैं। सफाई के बाद हमने इसको घास डाली है, जैसे हम नीचे से हीट रहे हैं तो रात को सर्दी होता है, तो ये बड़े खुश रहते हैं अपने जो घर में, इनके लिए हमेशा बड़ा जो घर है वो बनाना चाहिए, मतलब छोटे घर में तो इसके पर वगैरह टूट जाते हैं। अभी चलते हैं अंदर, तो अपने मोर के नीचे घास किया है। दोस्तों अगर आपको माशाल्लाह आपको मेरा जो काम पसंद आए तो मेरे काम जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और आपने ये वीडियो जो मतलब आपने एंड तक देखना है। सो अभी इनमें हमने घास वगैरह डाल दिए, सो इन बच्चों में इनके दाना वगैरह भी पड़ा हुआ है हम रख दे देंगे, उधर मतलब खुद खाते रहेंगे, और बड़ा सारा कमरा सुकून से जो है मतलब घूमते रहते हैं, रात को गर्म होता है ये, तो इसकी वजह से थोड़ा इनको पत्थर शत्थर लगते थे पाँव में, तो हमने कहा चलो ठीक है घास डाल देते हैं। ये भी बेचारे क्यों इंसान के तरह ही होते हैं, कमज़ोर हैं अपने जानवर हैं और मोर हैं, उनके ख्याल बड़ा करना होता है।